दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। वो ये है कि जो ओजोन लेयर का जो होल था वो बहुत बड़ा हो गया था, ये ऑटोमेटिक हो गया था। लेकिन अभी ऐसी खबर मिल रही है कि जो होल है वो ऑटोमेटिक रिफिल हो गया है। वाओ, इट्स गजब। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये कोरोना लॉकडाउन इसके चलते हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन, कोरोना, इससे उसका रिफिल होना कोई इसमें कनेक्शन नहीं है। ये एक बेहद मजबूत और असाधारण हवा और लंबे वक्त से बने पोलार वेंट्रक्स की वजह से हुआ है। जी हाँ, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर ये जो ओजोन लेयर है, अगर ये रिफिल ना हुआ, अगर ये बढ़ता गया तो क्या होगा। तो ये जो रक्षा कवच है इसमें किसी भी छेद से बर्फ के पिघलने की जो गति होती है वो काफ़ी बढ़ सकती है, और वहाँ पे जो जीवधारियों के प्रतिरोधक प्रणाली को भी ये प्रभावित कर सकती है। इससे मनुष्य को स्किन कैंसर या रतौंधी जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। CMS के मुताबिक हालांकि आर्कटिक क्षेत्र के वायुमंडल के ऊपर ओजोन परत पर छोटे छेद मिल चुके हैं, लेकिन यह पहली बार नहीं था जब ओजोन परत में इतना बड़ा छेद दिख रहा था और यह चिंता का विषय बन गया था। दरअसल ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से जरूरी सुरक्षा मुहैया कराता है। पृथ्वी के ज़्यादातर ओजोन इसके वातावरण यानी वायुमंडल के ऊपरी स्तर यानी समताप मंडल में मौजूद होती हैं। जमीन से 10 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ओजोन परत पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाने में काफ़ी मददगार होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओजोन लेयर रिफिल नहीं होता या रिफिल नहीं हुआ तब ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये कोई अभी जो रिफ़िल हुआ है ये कोई एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 35 साल से हर साल इसमें बड़ा बड़ा छेद बार बार पैदा हो जाता है। हालांकि इसका आकार हर साल घटता बढ़ता रहता है, लेकिन निकट भविष्य में तो यह बंद होता ही नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ईयर 1996 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको याद होगा ये गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। तब से इसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे केमिकल का इस्तेमाल एरोसेल, स्प्रे, फोम, सॉल्वेंट और रिफ्रिजरेटर से बनता है। ठीक है, वर्ल्ड मतलब अगर हम WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का छेद है वो 2000 से अब तक 1 से 3% तक छोटा हो चुका है। हालांकि 2019 में अंटार्कटिका में एक छोटा सा छेद रिकॉर्ड किया गया था।